वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड टीम को लगा बहुत बड़ा झटका। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ 2023 वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। विलियमसन को घुटने की सर्जरी से समय पर ठीक नहीं होने पर उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ रहा है। विलियमसन शुक्रवार को हैदराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच में स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेले हैं, जबकि सोमवार को तिरुवनंतपुरम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अगले अभ्यास मैच में बल्लेबाजी के साथ साथ फील्डिंग भी करेंगे। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा, हमने केन की वापसी पर ध्यान बनाए रखा है, उनकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो रही है और हम उन्हें कोई दबाव में नहीं डाल सकते हैं। केन विलियमसन IPL 2023 के शुरुआती मैच में अपने पूर्वकाल क्रूसिएट लिंगामेंट के टूटने और सर्जरी के बाद 6 महीने की छुट्टी से लौटे हैं। विलियमसन ने विश्व कप के पहले मैच में नहीं खेलने का फैसला किया, जबकि वह अभ्यास मैच में नजर आएंगे। भारत आने से पहले केन विलियमसन ने कहा था, मैं अभी जो कर रहा हूं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसे में पहले मैच में विलियमसन के नहीं होने से न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। विलियमसन की अनुपस्थिति में टॉम लैथम 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। लैथम 2 अभ्यास मैचों में भी नेतृत्व करेंगे। विलियमसन का ध्यान पूरी तरह से 9 अक्टूबर को नेदरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे विश्व कप मैच के लिए फिट होने पर है। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।